हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड होप आप सभी ठीक होंगे और अपना ख्याल रखिए। एंड मास्क वगैरह जितने प्रिकॉशन होते हैं वो सब लीजिए, और बाकी दूसरों की हेल्प करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कुछ कंपनी के रिजल्ट्स। कल के दिन में काफ़ी सारे रिजल्ट आए थे, तो जब तक मैंने वीडियो बनाई थी तब तक कुछ कंपनी के रिजल्ट आए नहीं थे। एंड वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट पढ़ने बहुत ज़रूरी है, तो आज की डेट में मैं उनके रिजल्ट पर से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एंड आपको बताना चाहता हूँ कि और भी आज की डेट में जो इन कंपनियों के रिजल्ट आएंगे उससे रिलेटेड भी हम बातें करेंगे इवनिंग तक। तो आइए, तो आज के दिन बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। सो आपका स्वागत है। और इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े तो देखिए, कल की डेट में इंडिया मार्ट इन्फो एस से रिलेटेड वीडियो आई थी। Q4 के रिजल्ट्स काफ़ी कंपनी के आए थे उससे रिलेटेड, जैसे कि UPL, टाटा पावर, वोल्टास, ओके और द्वारिकेश शुगर, तो मल्टीपल कंपनीज के रिजल्ट आए थे। बाकी 20 वैल्यू बाइंग स्टॉक्स थे। और यहाँ पर अगर बात करें, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ थी और कुछ स्टॉक से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं दूसरी वीडियो से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए, अपोलो टायर के रिजल्ट से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो अब बात करना चाहता हूँ सबसे पहले यहाँ पर डिविडेंड। तो कंपनी ने देखिए 3.5 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड देती हुई नजर आई है, ओके। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, विच शैल बी पेड डिस्पैच ऑन और बिफोर 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन एजीएम, मतलब इनकी एक मीटिंग होने होगी और उसमें जो रिजल्ट आएगा उसके विद इन 30 डेज के अंदर अंदर वो आपको ये 3.5 रुपये का यहाँ डिविडेंड देते हुए कंपनी नजर आएगी। इसके अलावा यहाँ पर रिजल्ट देख लेते हैं, तो देखिए इन मिलियंस में ये रुपीस में यहाँ पर सारे रिजल्ट हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं टोटल इनकम, तो यहाँ देख लीजिए 50,875 मिलियन इन रुपीस। इससे पहले 52,174 था, इससे पहले 36 था। तो ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छी जंप है, बट क्वार्टरली बेसिस पर फ्लैट कह सकते हो या थोड़े यहाँ पर नीचे गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। एक्सपेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सपेंस हम देख सकते हैं, टोटल एक्सपेंस इस बार 46,629 मिलियन रुपीज़ हुआ है। इससे पहले 45 था, इससे पहले 35। तो अगर बात करें एक्सपेंस, तो एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जहाँ पर लास्ट टाइम सेल्स इनकम ज़्यादा हुई होती हुई नज़र आई थी, वहाँ पर एक्सपेंस भी कम होते हुए नज़र आए थे। बट यहाँ पर इस बार सेल्स तो कम होती हुई नज़र आ रही है, बट एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो इस बार का जो प्रॉफिट है वो 2872 मिलियन इन रुपीज़ है। इससे पहले की बात करें 4438, इससे पहले की बात करें तो 778। तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पर तो अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्म करके दिखाया है, बट क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा कमजोर नजर आ रही है ये कंपनी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख के ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, सब चीज़ देख के, सारे पैरामीटर देख के। और अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं EPS की, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं EPS, बेसिक EPS 4.52 रुपये का है। इससे पहले 7 रुपये का था दिसंबर तक। और बात करें इससे पहले Q4 की, 3 रुपीज़ का यहाँ पर EPS नज़र आ रहा था। तो ईयरली बेसिस पर अच्छी खासी यहाँ पर कंपनी ने रिजल्ट पेश करे, बट अगर बात करें क्वार्टरली बेसिस पर, तो क्वार्टरली बेसिस पर कमजोर रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं लुपिन। तो आपको पता ही है लुपिन कुछ दिन पहले क्या किस तरीके से भागता हुआ नजर आया था, लगभग 20% आई थिंक भागा था। तो अच्छा खासा यहाँ पर लुपिन से अगर बात करें, राकेश झुनझुनवाला की भी अच्छी खासी होल्डिंग है और बहुत पुराने इन्वेस्टर भी है वो इसमें। तो इससे रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ों से रिलेटेड, तो शायद कंपनी ने देखिए डिविडेंड दिया है 6.50 रुपये का, ओके। और अगर बात करें यहाँ पर ये डिविडेंड आपको कब तक मिलता हुआ नजर आएगा, तो इनकी एक मीटिंग होगी शायद, उसी के बाद यहाँ पर ये डिविडेंड आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दोबारा इसके रिजल्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पर मिलियंस में ही यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलते देखते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर बात करें, इस बार का रिजल्ट है Q4 के, और ये सेम Q3 के यहाँ पर एक नज़र आ रही है Q4 के लास्ट ईयर के। तो अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल रेवेन्यू की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या अदर इनकम दोनों मिला के, तो 25,159 मिलियन रुपीज़, इससे पहले 28,000 था, इससे पहले 24। तो सेम अगर बात करें ईयरली बेसिस पे यहाँ पर जंप है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट साफ नज़र आ रही है। टोटल इनकम की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ अदर इनकम और यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम थी, यहाँ पर अदर इनकम मिला के 25,820
इससे पहले 28,246, इससे पहले की बात करें 26,937। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं अदर इनकम का बिल्कुल इफेक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर टोटल इनकम इस ईयरली बेसिस पे यहाँ पर कम होती नज़र आ रही है और क्वार्टरली बेसिस पे भी कम हमें नज़र आ रही है। बट एक्सपेंस देख लेते हैं, तो एक्सपेंस यहाँ पर देखते हैं तो इस बार के एक्सपेंस कम भी होते हुए नज़र आए, जो कि अच्छी बात है। तो 22,282 मिलियन रुपीज़ है, इससे पहले 26 था, इससे पहले 23,846 मिलियन रुपीज़ यहाँ पर खर्चा नज़र आ रहा था, जो कि क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात कर लेते हैं एनपीएटी की, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर देखिए 3,163 मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, इससे पहले की बात करें 2,182, इससे पहले की बात करें 2,252। तो ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे अच्छी खासी यहाँ पर जंप नज़र आ रही है, और ये कह सकते हो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स, क्योंकि यहाँ पर इस बार टैक्स भी कम देते हुए नज़र आ रहे हैं, इससे पहले टैक्स भी ज़्यादा क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर टैक्स भी ज़्यादा जाता हुआ नज़र आया था। तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, इससे हम कह सकते हैं। और बेसिक की बात करें तो लगभग 7% का यहाँ पर बेसिक ईपीएस है, 7 रुपीज़ का, इससे पहले लगभग 4.82 रुपीज़ था, इससे पहले 4.98 था। तो ईपीएस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर परफॉर्म किया है। बाकी सेगमेंट वाइज के लिए यहाँ पर आप नीचे जाइएगा तो आपको सेगमेंट वाइज बाइफर्केशन करके मिल जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं बिरला कॉरपोरेशन से लेकर तो हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड देती हुई नज़र आई है, तो इस चीज़ को आपको देखना होगा। एंड अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दोबारा एजीएम वगैरह हो गई यहाँ पर, ये शायद थोड़े टाइम बाद यहाँ पर आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसके रिजल्ट से रिलेटेड बातें कर लेते हैं, तो देखिए इन करोड्स में यहाँ पर रिजल्ट है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। तो अगर टोटल इनकम की बात करते हैं, इंक्लूडिंग अदर इनकम एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो अगर देखिए 21,46 मिलियन रुपीज़ है, इससे पहले 1,822 करोड़ में ही यहाँ रिजल्ट है, इससे पहले 1,822 करोड़, इससे पहले 1,718। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है वो मेन होता है, हमेशा याद रखिएगा, इसलिए मैं हमेशा इस पर ही जोड़ देता हूँ। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अच्छा खासा यहाँ पर इनकम हो रही है, तो कंपनी इज डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं टोटल इनकम, तो ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा जंप नज़र आ रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस यहाँ पर 1,900 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर टोटल एक्सपेंस इस बार, इससे पहले 16 करोड़ था, इससे पहले की बात करें तो 1,600 करोड़ था, इससे पहले 1,500 करोड़ के आसपास यहाँ पर एक्सपेंस नज़र आ रहा था। अगर यहाँ पर एनपीएटी की बात कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर अगर यहाँ देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो 249.33 ओके करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, इससे पहले 148 था, इससे पहले 194। अगर बात करें ईयरली और क्वार्टरली बेसिस दोनों पे यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा खासा जंप होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कंपनी की तरफ आप बने रह सकते हैं, बाकी और भी इसके पैरामीटर्स आपको देखने होंगे तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। ईपीएस की बात करें तो 3,238 का ईपीएस है, इससे पहले 19 रुपये का ईपीएस था, इससे पहले 25। तो ईपीएस के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि ईपीएस में भी यहाँ पर जंप है, तो अच्छे खासे यहाँ पर कंपनी ने परफॉर्म किया। बाकी बाइफर्केशन के लिए नीचे यहाँ पर जाके और भी चीज़ देख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं पिडिलाइट, पिडिलाइट की बात करें तो देखिए मोनोपोली बिजनेस एक बार कह सकते हैं, क्योंकि यही फेविकॉल ओके इससे रिलेटेड काम करती हुई नजर आ रही है। इन्होंने भी डिविडेंड दिया है, तो अगर बात करें कितने रुपए का, तो 8.50 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड देती हुई कंपनी नजर आ रही है ओके। तो अच्छा खासा यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने दिया है, और कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म भी करके दिखा रही है। अगर हम यहाँ पर नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पर इनके रिजल्ट हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इन करोड़्स में ही रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप अगर हम यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर होप आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर टोटल इनकम की बात करें, इंक्लूडिंग अदर इनकम एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1,868.87 करोड़ के यहाँ पर इस बार का इनकम होती हुई नज़र आ रही है, इससे पहले 1,976 था, इससे पहले की बात करें 1,335। तो ईयरली बेसिस पे तो अच्छी खासी जंप है, बट क्वार्टरली बेसिस पे अगर सिक्वेंशियली बात करें तो यहाँ पर गिरावट होती हुई हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की, कंपनी का एक्सपेंस की बात करें, 1,493 का यहाँ पर एक्सपेंस होता हुआ नज़र आ रहा है, इससे पहले 1,427 करोड़ था, इससे पहले 1,072 था। तो एक्सपेंस ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे जंप नज़र आ रहा है सेम, तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट भी कम होता हुआ हमें दिखाई देगा। प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं, 276 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट है, इससे पहले 409 करोड़ था, इससे पहले 159। तो ईयरली बेसिस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, बट अगर बात करें सिक्वेंशियली तो यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर अगर बात यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर गिरावट होती हुई हमें नज़र आ रही है साफ। तो सॉरी अगर इस तरीके आपको आवाज़ आ रही होगी यहाँ पर,
ओके, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो अगर बात करते हैं ईपीएस की, तो यहाँ पर देखिए 5.54 रुपये का ईपीएस है, इससे पहले 8 रुपये का ईपीएस था, इससे पहले 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का ईयरली बेसिस पे तो अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर खर्चे ज़्यादा होते हुए नजर आए और इनकम कम होती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर सीधा साधा इफेक्ट यहाँ पर पड़ गया है। बाकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कम होता हुआ, लगभग 100 करोड़ का रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आया। बाकी कंपनी की बात करें तो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते, काफ़ी अच्छी कंपनी है पिडिलाइट, ओके, निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनी भी है और काफ़ी अच्छा इसने काफ़ी लंबे टाइम तक भी इसका चार्ट पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, तो इस कंपनी के साथ बने रह सकते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर और भी कुछ चीज़ की, तो हैप्पीएस्ट माइंड, तो हैप्पीएस्ट माइंड की अगर हम बात करते हैं, देखिए इसके इसके जो रिजल्ट है ओके वो देखने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत तेज भागती हुई कंपनी नजर आई है और अपने लिस्टिंग टाइम से देखें तो लगभग 150% से 200% तक के इसने रिटर्न भी देते हुए नजर आए हैं। और 186 रुपीज पे आई थिंक यहाँ पर ये शेयर आता हुआ हमें दिखाई दिया था, उसके बाद ये डबल 100% से ज़्यादा के उस पर ये लिस्ट होता हुआ नजर आया था, फिर उसके बाद उससे फिर दोबारा 130, 140, 150% यहाँ पर भाग चुका है। तो कंपनी बहुत ब्रिलियंट है, इसके साथ तो आपको लॉन्ग टर्म बने रहना चाहिए। हैप्पीएस्ट माइंड्स का नाम है, अशोक सूता जी की ये कंपनी है, जो कि माइंडट्री के फाउंडर भी आई थिंक और विप्रो में भी काम कर चुके हैं। अगर बात करें ईपी यहाँ पर डिविडेंड की, 3 रुपये का डिविडेंड देती हुई कंपनी नजर आई है और यहाँ पर 30th of June तक अगर आप बने रहते हैं ओके 30 मतलब अगर बात करें 29th of June या से पहले आप यहाँ पर शेयर लेते हैं तो आपको ये डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा ओके। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेगमेंट वाइज, तो आप देख लीजिएगा, बट यहाँ पर हम टोटल यहाँ पर इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट दे रखे हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, होप आप सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये। तो देखिए यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, तो अगर देखते हैं तो 2271 लैक्स रुपीज़ है, इससे पहले 1982 है, इससे पहले 18635। तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, हमेशा याद रखना, बट कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। टोटल रिवेन्यू की बात करें तो 22,374 लैक्स रुपीज़, इससे पहले 20, इससे पहले 19। तो देखिए क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके यहाँ पर आपको दिखाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर एक्सपेंस भी देखने होंगे। तो एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंस 17,450 ओके यहाँ पर एक्सपेंस होते हुए नजर आए हैं, इससे पहले 14,802, इससे पहले 17,175। तो ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा ही लगा फ्लैट कह सकते हैं, बट क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा यहाँ पर जंप है ओके एक्सपेंसिस में। दिस इज द रीजन यहाँ पर शायद अगर बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट हमें नजर आ रही है। बाकी यहाँ पर डिफर्ड टैक्स की बात करें, यहाँ पर टैक्स भी कंपनी ज़्यादा पे करती हुई नजर आ रही है ओके, यहाँ पर 437 यहाँ पर ब्लैंक। तो यहाँ पर सब चीज़ को अगर देखते हुए अगर बात करें तो 3605 लैक्स रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 4215, इससे पहले 530। तो कंपनी का परफॉर्मेंस की बात करें ईयरली बेसिस पे, तो आप देख सकते हैं लगभग 7 times यहाँ पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो यहाँ पर देखिए कुछ एक्सपेंसिस के रीज़न से यहाँ पर खर्चा ज़्यादा होता हुआ नजर आया, कुछ टैक्स वगैरह के रीज़न से, अदरवाइज कंपनी की अगर मेरे हिसाब से बात की जाए तो मुझे इसके नंबर एकदम ब्रिलियंट लगे क्वार्टरली बेसिस पे भी और ईयरली बेसिस पे भी। बट यहाँ पर ईपीएस वगैरह यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आता है। बाकी 2.55 रुपये का ईपीएस है, इससे पहले लगभग 3 रुपये का था, इससे पहले 49। तो ईयरली बेसिस पे तो कंपनी ने अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया है कि इट इज़ द बेस्ट कंपनी। और बाकी यहाँ पर देखिए ना, ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आता है वो सबसे ज़्यादा आया है इस बार ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे, तो यहीं पर ही पता चल जाता है कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। बाकी एक्सपेंसेस वगैरह पे तो कंपनी देखिए ऑब्वियसली बात है बड़ी कंपनी है, एक बड़ा नाम है, तो एम्प्लॉयज़ के लिए भी खर्च करती हुई नजर आती है ओके एक्सपेंस, ताकि किसी तरीके की एम्प्लॉयज़ को दिक्कत ना हो, और एम्प्लॉयज़ इज़ द एसेट ऑफ एनी कंपनी, आपको पता ही है। तो इसलिए ऑब्वियसली बात है आज खर्चा कर रही है तो कल ये दोबारा स्पाइक करती हुई नजर आएगी। बाकी डिविडेंड अच्छा दिया है, यहाँ पर बाइफर्केशन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी ने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में खर्च करा है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बाकी कंपनी अशोक सूता सर की है, और थोड़ा सा अगर गिरावट हो तो बिल्कुल मत चौंकिएगा, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए हैप्पीएस्ट माइंड में। हैप्पीएस्ट माइंड मेरे पास काफ़ी टाइम से है, और अगर बात करें मैंने भी वीडियो बनाया था आपको 350 रुपीज़ पर कि अब लेने का टाइम आ गया, और तब से उसके एक सप्ते बाद ही कंपनी भागना शुरू हुई, और तो भागना शुरू हुई तो अभी तक भाग ही रही है, लगभग 800 के आसपास शेयर चल रहा है, जितना गिरना था गिर लिया, थोड़ा बहुत और गिर सकता है, और गिरता है तो कोई नहीं, अपॉर्चुनिटी है बाय ऑन डिप्स करना। अगले जब क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो 1000+ तक ये कंपनी जाती हुई आपको साफ नजर आएगी।
जाएगी। तो इसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो थी, हैप्पीएस्ट माइंड, लुपिन, बिरला कॉप, अगर बात करें यहाँ पर पिडिलाइट, एज वेल एज अगर बात करते हैं अपोलो टायर, इन पांच कंपनी के रिजल्ट से रिजल्ट अच्छे लगे हो आप बताइए, किस कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं और किस से रिलेटेड रिजल्ट से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अपनी राय देना बिल्कुल भी नीचे मत भूलिएगा कि आपको हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी कैसी लगती है, लुपिन कैसी लगती है, पिडिलाइट कैसी लगती है, अपोलो टायर कैसे लगता है, एज वेल एज जो भी हमने रिजल्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड आपको कंपनी कौन सी अच्छी लगती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल बॉस ऑफ फिनिशर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे चैनल के साथ दूसरे लोगों को भी आके जोड़िए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।